Hello everyone, good afternoon, how are you all? Hello sir, hello sir, good afternoon. Thank you, I'm also fine. In our last class, we were solving the exercise 2.2. There are many questions what already we have solved from this exercise. And in our last class, we were solving the question number 5, 6, and 7, isn't it? Yes, sir. So let me know that if is there any issue with the question number 5, yes, 6, 7 earlier, previous question of this. Question number 7 तक किसी को भी कोई दिक्कत? बेटा question number 7 तक किसी को कुछ पूछना है? सभी का complete है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चों को तुरंत रिप्लाई मुझे मिलने चाहिए। आज की क्लास का ये ध्यान देना, जो रूल है हमेशा आप सभी को जब मैं पूछूं तो तुरंत आंसर करना है, तुरंत माइक ऑन करके तुरंत बोलना है। दूसरी बात, आप सभी को जो भी बोलना है आंसर करना है वो सिर्फ एक बार बोलना है, सिर्फ एक बार बोलना है, बार बार आंसर नहीं बताना है कि मैं कुछ पूछूं इसका मतलब ये कितना हुआ। तो आप एक बार बोलो कि 100, फिर थोड़ी देर बाद बोलो 100, ऐसा नहीं है। और सभी बच्चों को तुरंत आंसर बताना है, ना कि दूसरे बच्चों का सुन करके बोलना है। ये ना हो कि आप सुन सुन करके बोलते रहे और खूब लंबा आंसर चला जाए। तो प्रॉपरली आप तुरंत का तुरंत आंसर करना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट कई सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जब ये एडिशन से ये कॉन्सेप्ट पे इस तरह के क्वेश्चन आए थे तो बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे थे। तो एक बार देखते हैं आज आप लोगों में से कितने लोग सही कर पा रहे हैं या कितने लोग गलत करते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहां पे एक नंबर लिखता हूं 10। 10 के बजाय मैं, चलिए आपको पहले आप रिटर्न हियर वन ऑफ द नंबर, व्हाट इज दिस, क्या है ये? लैंग्वेज में बोले तो जीरो है, इंग्लिश में बोलेंगे तो आप ओ बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं, शेप्स के आपका ओवल हो सकता है, बट ये मैथ्स के लैंग्वेज में इट इज अ जीरो। ये जीरो का क्या यूज है, जीरो का क्या रोल होता है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लीकेशन में? अगर जीरो किसी भी नंबर में जोड़ा या घटाया जाए, जीरो को किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ध्यान रहेगा? यस सर। जीरो को 5 में प्लस किया जाए तो जो ये संख्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये संख्या ही रह जाएगा। आप जीरो चाहे पहले जोड़े या बाद में जोड़े, बात एक ही है, जो संख्या है वही का वही रह जाएगा। यानी जीरो ना तो किसी संख्या को बढ़ाता है ना कम कर पाता है। तो अभी यहां बढ़ाने की बात हुई, इसी तरीके से अगर 5 में से अगर 0 को माइनस करें तो आपको बताया कि 0 ना तो बढ़ा पाता है तो 0 कम भी नहीं कर पाता, वही संख्या रह जाएगी, 5 का 5 ही रह जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। 0 को 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, यानी 0 को प्लस या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, अगर मैं यहाँ पे 5 में प्लस 0 किया तो कितना आंसर आया था? The five. चलिए अगर मैं यहाँ पे 5000 में, 5000 में अगर मैं यहाँ पे 0 प्लस करूँ तो कितना आंसर आएगा? The 5000. जीरो तो कुछ ना बढ़ा पाएगा ना कम कर पाएगा, 5000 का 5000 रह जाएगा, 5000 ही रह जाएगा, है कि नहीं? मान लीजिए स्टेटमेंट को मैं दूसरी तरह लिखता हूँ, स्टेटमेंट को मैं 6000 यहाँ पे लिखता हूँ, 6000 में कितना प्लस की? ऐसे लिखता हूँ, कितना प्लस किया जाए ये 6000 का 6000 रह जाए। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल अप करेंगे? जीरो प्लस जीरो 0, 8000
888 में जीरो माइनस करेंगे कितना आएगा? सेम वही नंबर तो बचेगा। अगर 8700 में कितना माइनस करें कि 8700 बचे? जीरो कम करना है, यही तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। मान लीजिए 8700 में कितना माइनस करें कि 8600 बच जाए। अच्छा ये बताओ 8700 ज्यादा है या 8600 ज्यादा है? तो कितना इसमें कम किया गया है? कम किया जाए कई सारे बच्चे कह रहे हैं वन। जरा देखते हैं 8700 में वन अगर माइनस करें, वन ऐसे ही तो लिखते हैं टेन में से वन नाइन, जीरो गया नाइन सिक्स। अगर वन कम करेंगे तब तो 700 में वन कम हो जाएगा तो 8699 बचेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें कितना कम करें कि 8600 बचे, 700 के बजाय 600 बचे, क्या कम करें? 100 बताइए। आप लोग क्लास फोर्थ में पहुंच गए हैं, कभी इतना आसान क्वेश्चन के लिए आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। कई सारे बच्चे गलत बता रहे हैं। पहला बच्चा गलत बताया तो दूसरा बच्चा भी सुन सुन के गलत बता रहा है, वो अपना अकल नहीं यूज कर रहा है, अपना ब्रेन नहीं यूज कर रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। खुशी आपको नहीं जाएगी आवाज, आपका लेक्चर कम होगा। अदर स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है आप सभी को? दिव्यांशी, अनन्या, अभिनय, आकांक्षा जा रही है? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे में तो ये चीजें समझ में आई? Yes, अब आप सभी को इसी तरह के क्वेश्चंस अगर दे दिए जाएं, सेवन थाउजेंड 735 में से वन अगर माइनस किए जाए तो कितने बचेंगे बताइए? 734 में से वंस को निकालिए, 5 में से 1 5 वंस की प्लेस पे, ये भी वंस की प्लेस पे, यानी 5 में से 1 निकलेगा कितना बचेगा? 4। ये टेंस की प्लेस पे 3 है, यहां पे टेंस की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, टेंस की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 3 में से कुछ भी नहीं माइनस होगा, क्या बचेगा? 3। 700 की प्लेस पे, इसमें 100 की प्लेस पे कितना है? 3। यहां पे 100 की प्लेस पे क्या है इस वाले नंबर में? 0। 0 कुछ भी नहीं है, तो 7 में से 0 सेवन, तो 735 वन माइनस करते हैं तो 734 बचता है। अब ये माइनस वन माइनस टू आप लोगों को फोर्थ में बताना पड़ेगा, नहीं आता है? सर आता है, इसी तरीके से 6000 मान लीजिए मैं आपको 6238 में आपको 1000 माइनस करने के लिए बोलूं। अब आपको पता है वंस इसका ये है, वंस टेंस राइट हैंड साइड से कर देना, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है, इसका वंस ये है, इसका टेंस ये है, इसका हंड्रेड ये है, इसका थाउजेंड ये है। वंस में से वंस को माइनस करिए, एट में से, अब उल्टा मत माइनस करने लगना कि इसमें से इधर माइनस कर दो, पहले वाले नंबर से बाद वाला नंबर कम किया जाता है, समझ में आया? यस सर। एक वन से यस सर माइनस होगा कितना बचेगा? एट। थ्री टेंस में से जीरो टेंस माइनस होगा, क्या बचेगा बताइए तुरंत? सारे बच्चे सो रहे हैं क्या जो लोग नहीं बोल रहे हैं?
सुन सुन के नहीं, 200 में से कितना 100 माइनस करना है, 0 100, तो 2 में से 0 माइनस होगा क्या, 1000 के प्लेस में 6 है, इसमें 1000 के प्लेस में कितना है, 1000 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 5, तो आंसर कितना आया, 5000 मान लीजिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखा हूं -10, यहाँ पे कितना हो गया 100, इसमें कितना था जिसमें से 10 कम किया गया तो 100 बचा, यहाँ पे कितना था सर, 110 था, 110 था जिसमें से 10 कम किया गया तो क्या बचा, 100, 0 में से 0 गया ये 0 बचा, 1 में से 1 गया ये 0 बचा, 1 में से यहाँ पे 100 प्लस में कुछ भी नहीं है, 1 में माइनस 0 इक्वल टू 1, सही है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, अब ये बताइए मान लीजिए आपको ये छोटा वैल्यू था आपको पता चल गया 110, लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि इसमें कितना कम किया गया कि ये आया, तो आप इसको और इसको प्लस कर लो, वही आंसर यहां पे आएगा, तो क्या होगा, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 प्लस कुछ भी नहीं इक्वल टू 1, 110 आ गया कि नहीं, यस सर, यस सर, -20 इक्वल टू 2304, इसमें से कितना 20 कम करने पे इतना आंसर आता है, तो जितना है इसी में 20 और जोड़ दो, 2304, 2304 में 20 कम कर दिया गया ना, इतने में 20 कम कर दिया गया, मान लीजिए ये इतना था, इसमें से इतना निकाल लिया गया, तो जो बाकी बचा वो कितना बचा, ये बचा, लेकिन जो निकाला गया फिर से मिला दे, जो बचा है उसमें फिर से मिला दे, तो यही तो आ जाएगा, तो आपने ये ये बचा, जब आप ये निकाल लेते हैं तो ये बचा, लेकिन जो बचा है उसी को दोबारा मिला देते हैं इसमें, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं, इसका 4 1 0 1 = 4, 0 10 + 2 10 = 2 10, 300 + how many 100 की प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो 3 + 0 = 3, 2000 कुछ भी नहीं है, 2000 आंसर होगा 2324, क्लियर है, यस सर। इसमें यहाँ पे कितना था जिसमें से 2000 माइनस किया जा रहा है, 2000 माइनस करने पे सिर्फ 200 बचा, अब वही बात, जो भी यहाँ पे रहा होगा इसमें से 2000 जब निकाल लिया गया तो भी थोड़ा सा बचा, कितना बचा 200, तो जो बचा है ये 2000 उसे में मिला दोगे यानी जोड़ दोगे उसी के साथ, तो आ जाएगा कि नहीं, ये मिला दो आ जाएगा आंसर, तो क्या होगा 0 + 0 = 0, 0 10 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0, 100 + 0 = 0,
सर दिखने लगी। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बाकी बच्चे अपना माइक बंद करें, जिसका नाम लूंगा उसी को अपना माइक ऑन करना है, बाकी कोई बच्चा नहीं ऑन करेगा। जिससे मैं बोलूंगा आकांक्षा उपाध्याय, सबसे पहले आपको माइक ऑन करना है, सबसे पहले आप ही को बताना है। आकांक्षा। यस सर। कितना लिखा है जरा पहले इसको पढ़िए। व्हाट इज दिस? 23,456 - 0 इक्वल टू कितना लिखेगा, कितने आए, कितना आएगा आकांक्षा बताइए आप। 23,456 यानी इतने में जब जीरो माइनस करेंगे तो यही का यही बचा रह जाएगा ना, यही तो है। यस सर। चलिए अच्छा है, अच्छा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं किसी और बच्चे से पूछूंगा, किसी और बच्चे से पूछूंगा, ये मैं पूछूंगा कनिष फातिमा, कनिष फातिमा नहीं सूरज, अपना माइक ऑन करिए सूरज, ये आपके लायक क्वेश्चन है बेटा, जरा इसको पढ़िए पहले क्या लिखा है। सूरज पहले ये पढ़िए कितना लिखा है। सर 78,345। बहुत अच्छे, 78,345 में से 1 जब आप कम कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा सर? 78,344। बहुत अच्छे, 78,344, ये 45 था, 1 कम कर देंगे तो 44 ही बचेगा। चले सूरज ने भी आज आंसर बताया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर। नेक्स्ट नेक्स्ट अभिनय, अभिनय पांडे। यस सर। आप क्वेश्चन नंबर सी बताइए। यस सर। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे क्या लिखें, कितना माइनस का इक्वल टू इतना, जरा इसको पढ़िए। 56,800। आप इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा सर? 56,880। चलो ये अभिनय अपना वीडियो ऑन करिए। यहाँ पे अभिनय ने क्या बताया है, 56,000, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 56,880, यही बताया है अभिनय ने। इसमें से जब 10 कम करोगे तो कितना आएगा बेटा, 10 अगर माइनस कर दोगे इसमें तो कितना आएगा? बाकी बच्चे शांत रहे, कौन बोल रहा है? जब मैंने बोला है कि जिसका नाम लूंगा सिर्फ उसी को बोलना है, मुझे पता है अभिनय गलत बोल रहे हैं लेकिन दूसरे बच्चों को नहीं बोलना है। बारी बारी से सबका नाम लूंगा, सभी को तभी बोलना है। अभिनय आप बताइए इसमें से जब 10 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सर 70। ये बताइए इसमें कितना कम आ जाए, कितना आ जाए? मैंने बताया था कि इन दोनों को प्लस कर दो आ जाएगा, तो वही कर दो, अगर ना अगर नहीं कर पा रहे हो तो दोनों को जोड़ के पता चल जाएगा ना क्या आएगा, जिसको जरा बताइए। एट हंड्रेड नाइन्टी में 10 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। गलत बता रहे हो, 100 क्यों, 890 है तो 10 और आएगा तो घट करके 100 हो जाएगा, यही पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं आप, यही पढ़ते हैं। खुशी आप बताइए, खुशी माइक ऑन करिए, खुशी जो बातें कर रही हो दूसरे से ना अभी पीटेंगे घर पर, जो बगल में जो बैठे हैं उनको भगाइए पहले, बगल में आपके कौन बैठा है, बगल में किसी जो भी बैठा है उनको भगाइए पहले।
ठीक है, कोई नहीं है। यहाँ यहाँ पे क्या आंसर आएगा ये बताइए मुझे। सर 56,900। 56,900 बिल्कुल सही आंसर है। 890 के बाद 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, फिर 900। यानी इसमें अगर 10 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। और जिसको अकल ना हो इस तरह जोड़ने की, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 के 0, 1 कैरी, तो 8 और 1 जो कैरी आया था 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 6 प्लस कुछ भी नहीं इक्वल टू 6, 5 प्लस कुछ भी नहीं इक्वल टू 5, तो 56,900 ऐसे भी तो निकाल सकते थे। लेकिन अभिनय पांडे वीडियो बंद करके पता नहीं सो रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, वीडियो बंद करके पता नहीं क्या छिपा रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं मुझे लग रहा है। अब फोन में क्या कर रहे हो? गेम नहीं खेल रहा है। वीडियो कैसे बंद हो रहा है? गेम नहीं खेल रहा है। वीडियो क्यों बंद हो रहा है बार बार? आप मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने आप तो नहीं बंद होगा ना? अपने आप तो नहीं बंद होगा ना? मोबाइल रख दीजिए एक जगह पे। महिमा बारी। यस सर। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप बताइए। डी सर, डी कितना लिखा है, कितना आंसर आएगा? क्या आएगा, क्या आएगा महिमा? जीरो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। ये बताइए कितना लिखा है? 7,893। इतने में से कितना कम करना है? इतना। अब इसमें से इसको जब कम करेंगे तो कितना बचेगा सर? जीरो। जीरो, तो ये इतना समय लगता है? अगर मैं पूछू 10 में से 10 माइनस कर दो, 10 कम कर दो, कितना बचेगा? तो जीरो, इसको तुरंत बताना चाहिए, इतना समय लगना चाहिए। यस। अनन्या शुक्ला आप जरा क्वेश्चन नंबर ई बताइए। ई कितना माइनस वन इक्वल टू इतना? हाउ मच माइनस वन इक्वल टू दिस? टेल मी आंसर। आप बोल रहे हो 29,835। करेक्ट। 29,834 में जब 1 जोड़ोगे तो 134 के बाद क्या आएगा? 135। 1 प्लस करने पे तो नेक्स्ट नंबर आता है, तो 134 के बाद क्या आएगा? 135। आ गया आंसर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर एफ आदेश। आदेश आदेश आप बताइए। एफ आंचल आप बताइए। आंचल आदेश की आवाज नहीं, आदेश का आवाज नहीं आ रहा है। आंचल एफ नंबर इतना समय लग रहा माइक ऑन करने में। चलो आंचल के अलावा दिव्यांशु, दिव्यांशी बताइए बेटा। आंचल अभी माइक नहीं ऑन कर पा रही है। 9,900 में अगर 100 माइनस करें तो क्या होगा? 9,900। 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो यानी 10, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 0 गया 9, ये 0 है ही,
तो 9900। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी की बारी आई। आकांक्षा आप बताइए। यहाँ पे yes, नंबर लिखा है, पहले इसको पढ़िए, इसमें से 1000 माइनस करना है। पहले इसको पढ़िए, कितना लिखा है ये? 6,28,300। कितना कम करना है? माइनस 1000। तो इसमें से ये कम करना है, इसमें कितना लाख, कितना थाउजेंड, कितना हंड्रेड है, जरा ये मुझे बताइए। कितना लाख, हाउ मच लाख, हाउ मच थाउजेंड, हाउ मच हंड्रेड? हाउ मच लाख इज देयर इन दिस नंबर? कितने लाख है इसमें? कितने लाख है? 6 लाख। कितना थाउजेंड है इसमें? कितना थाउजेंड है? थाउजेंड वाले पीरियड में कितना है? 28,000। आपको थाउजेंड भी तो कम करना है, 1000 कम करना है। तो इसमें से 28,000 में से 1000 कम करेंगे तो कितना थाउजेंड बचेगा? 6,27,300। ये किसी ने बता, पहले से लिख रखा है आपने क्या? फिलहाल सही आंसर। अभिनय पांडे जरा इसका आंसर बताइए क्या होगा। अभिनय पांडे, मुझे लग रहा है आकांक्षा पहले से लिख ली है क्या? अभिनय पांडे आप अपना माइक ऑन करें। अभिनय पांडे, यस सर, यस सर। रुकिए, आप लास्ट वाला क्वेश्चन आप बताइए क्या आएगा आंसर, मुझे आंसर बताइए। 5,43,899। इतने में से जब जीरो माइनस करेंगे तो कुछ भी कम होगा? बिल्कुल नहीं, जो है वही रह जाएगा, तो वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ ना बेटा? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। पेज नंबर 16 पे जब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन अभी आज एक बार देखिए कितना समय बचा है आज के सेशन में, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी चलो, अभी इनफ समय है, इनफ टाइम इज देयर, इनफ टाइम इज देयर। टाइम पर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए अभिनय। चलिए अभिनय की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, अभिनय की आवाज दिव्यांशी। बताइए। An aeroplane is flying over the mountain. If it is flying at a height of 12,478 meters from the ground and 4,824 meters from the top of a mountain peak, find the height of the mountain peak.
बेटा यहाँ पे एन एरोप्लेन, एरोप्लेन तो सभी लोग जानते होंगे क्या होता है एरोप्लेन, बताना पड़ेगा इसका मीनिंग। यस सर, एरोप्लेन का मीनिंग नहीं दिख रहा है, एरोप्लेन का मीनिंग बताएं। कागज बन क्यों आकांक्षा एरोप्लेन का मतलब नहीं जानती बेटा? एरोप्लेन मीन्स जानते हो क्या होता है? जब आप छोटे थे ऐसे कागज था एक फाड़ते थे तो कागज का जब आप जहाज बनाते थे एरोप्लेन उड़ा देते थे, वही उसी एरोप्लेन की बात की जा रही है। ठीक है? यस सर। अब एरोप्लेन मीन्स क्या होता है समझ में आया? यस सर। नहीं दिख रहा है। एरोप्लेन है ये, देखो ये एरोप्लेन है, कोई एरोप्लेन है वो क्या करता है, इज फ्लाइंग। फ्लाइंग मीन्स क्या होता है? फ्लाई मीन्स उड़ रहा है, उड़ना की तैरना, उड़ रहा है। तैरना तो नहीं होता, तैरने की इंग्लिश क्या होगी? तैरने की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ तैरना? नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। फिलहाल अब एरोप्लेन इज फ्लाइंग, तैरने की इंग्लिश की बात में कर रहा था। तैरने की इंग्लिश क्या होती है किसी ने बताया नहीं, क्या होता है? स्विमिंग। तैरना, स्विमिंग में तैर रहा है। तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन क्या कर रहा है? उड़ रहा है। कहां पे? ओवर अ माउंटेन। आ माउंटेन मीन्स क्या हुआ? आ माउंटेन गलत 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 माउंटेन मीन्स पर्वत। आ माउंटेन मीन्स क्या होता है? एक पर्वत। बिल्कुल सही। तो एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है? फ्लाइंग कर रहा है, यानी उड़ रहा है। कहाँ पे? ओवर अ माउंटेन पीक। ये पीक मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग चोटी मतलब जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई होती है ना, सबसे हाईएस्ट हाइट होती है वही चोटी। चोटी आप लोग यहाँ पे मानते हैं ना, सबसे ऊंचाई पे चोटी, वही चोटी। तो जो सबसे हाईएस्ट वाला चोटी होता है उसी को चोटी कहेंगे। तो ये चोटी हो गया ना। An aeroplane flying is over a mountain peak. किसी माउंटेन के, एक माउंटेन है उसके ऊपर, उसके जो पीक्स के ऊपर से एरोप्लेन कर रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है। ओके? If अगर it is flying at a height of 12,478 meters from the ground, ध्यान दीजिए, if it is flying, अगर ये flying कर रहा है, अगर ये उड़ रहा है कहाँ पे? At a height of इतना इतना high, इतना meter from the, ये क्या लिखा है? From the ground. मान लो अगर ये A है और ये B है, तो ground A है या B है? Ground कौन सी जगह है? B. B है ना? ये क्या है? ये क्या है? Peak. माउंटेन पीक, पर्वत का पीक, पर्वत का सबसे सबसे चोटी, पर्वत की चोटी है ना माउंटेन पीक है ना। तो जो 12,428 मीटर है वो एरोप्लेन माउंटेन पीक की दूरी है, या फिर जो आपका ग्राउंड है और माउंटेन के जो एरोप्लेन है उसके बीच का डिस्टेंस है, ये किसका है? ग्राउंड और एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस, या माउंटेन पीक और एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस? ग्राउंड और एरोप्लेन का, यहाँ पे लिखा भी गया, ये ग्राउंड और एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, इतना ध्यान देने की बात है। माउंटेन पीक के ऊपर उड़ रहा है, एरोप्लेन और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12,478 और एंड 4,824 मीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए माउंटेन पीक। जो टॉप ऑफ, जो माउंटेन पीक का सबसे टॉप है, यहां से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4,824 मीटर। इतना समझ में आया? Yes, sir. क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन पीक। आखिर माउंटेन पीक की हाइट क्या है? तो जरा मुझे बताइए, इसमें से माउंटेन पीक यही तो है, माउंटेन पीक यही तो है। Yes, sir. यही तो है। Yes, sir. अब माउंटेन पीक से